एक शादीशुदा लड़की होकर भी उसने मेरे नाम का टैटू अपने हाथों में बनवा दिया और एक नेपाल से, और इसके वजह से इसको बहुत गालियां गलौज में दुनिया कुछ लोग कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, थैंक यू, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप इतने अच्छे हैं ना, आपके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले आप जो नेपाल आए थे बहुत बुरा लगा था जो हुआ, और अभी देखिए कितना प्यार करने वाले हैं आपको, और आपके जैसा कोई नहीं है मेरे नजर में। तो थैंक यू सोमिया, दिल से थैंक यू, बट अपना ख्याल रखना, ऐसी दीवानगी भी ठीक नहीं है क्योंकि आपके पीछे अपना परिवार है। सबका दीवानगी कोई नहीं करता, कोई एक ही को कोई पसंद करता है, जो आपको मैं करती हूँ बस उसी इंडस्ट्री में। एक सोमिया के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये मेरे से मिलने में पिछले शो में आए थे लेकिन मैं मिल नहीं पाया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन आज मैं इससे मिला, इसका वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, ये रो रो के अपना टाइटल बनवा रही थी, लेकिन बट कोई थैंक यू सो मच सोमिया, दिल से पहले कि जहा सोचा हमारे बारे में तो हजार खातिर प्यार कल बरस के कायल न रहे, भुला गइल वैसे जैसे भाइल न रहे। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे गाना होंगे, लेकिन उससे पहले माननीय मंत्री जी और पूरा नेपाल आज इस धरती पे आया है, मुझे लगता है कि आधा नेपाल तो आ ही गया होगा यहाँ पे। एक बार हाथ उठाइए तो देखिए कितना नेपाल आया है। सर यहाँ से कोई टिकट दे दीजिए, मैं भी मंत्री बन जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से अगर इलेक्शन लड़ू तो वोट दोगे मुझे? जिस पार्टी के लिए वोट मांगूंगा उसको वोट दोगे ना? अच्छा मुझे अगर वोट देना होगा तो दोगे? बाप रे बाप, जब मैं आऊंगा तो पांच फीट तोड़ोगे? मैं अगले बार घर तोड़ूंगा, मास और समान तोड़ना यार। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि जो एंकर है कहाँ है आप? कौन कौन बुलाएगा मंत्री जी की स्वागत के लिए? कौन बुलाएगा? आइए आप लोग 5 से 10 मिनट वेट करिए, हमारे भोजपुरी की सबसे बड़ी स्टार जिन्होंने अपने जीवन में